बारे में बताएं। मेरा नाम शील प्रिय गौतम है। मैं अभी दिल्ली में दूरसंचार विभाग में एज डायरेक्टर कार्यरत हूँ और अभी हम दिल्ली में रहते हैं, ओरिजिनली यूपी को बिलोंग करते हैं। आपका जो धम्म में या जो आप बुद्ध की प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको आपके पिताजी से मिली है? हाँ, हमारे पिताजी भी बुद्ध धर्म को मानते हैं और बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं और उनसे ही मेरे को बुद्धा के बारे में और इसके बारे में मालूम चला। बट जब एक लेवल के बाद, एक पढ़ाई करने के बाद, हमने खुद भी इसको अपने लेवल पे समझने की कोशिश की और जब हमने समझा और इसको बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़ा, इनके बारे में और जाना, तो समझ में आया कि बुद्धिज़्म से ज़्यादा बुद्धा की टीचिंग से द्वारा, मतलब मैं बुद्ध धर्म के बारे में नहीं बोलूँगा बट बुद्धा की टीचिंग्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा वैज्ञानिक हैं कि उसको फॉलो करना ही जो है वो इट इज़ नॉट धर्म, वो धर्म नहीं है, वो मतलब विज्ञान है एक तरीके से। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो मैन मेड लोगों ने प्रैक्टिस बनाई हुई है उससे जो साइंटिफिक प्रैक्टिस है वो बहुत अलग है जो बुद्ध की है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो बुद्धा की जो असली टीचिंग को समझा है वो विपाशना के थ्रू समझा है और मैं विपाशना को पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार चुका हूँ। और मतलब पूरी तरीके से आप विपाशना के कितने कोर्स करके आए हुए हैं? विपाशना के मैंने वैसे 3 कोर्सेज किए हैं और उसके अलावा मैं 3-4 दिन के लिए भी बीच में जा चुका हूँ और मैं डेली। आप गेस्ट विपाशना भी जाते हैं बीच में? कभी कभार चले जाते हैं। तो आपको पहले कोर्स जब आपने किया तो आपको कैसा अनुभव हुआ, क्या समझ में आया आपको कि ये साइंटिफिक क्यों है? अच्छा, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो पहले मैं इससे पहले 3 या 3-4 अलग अलग जगह पे कर चुका हूँ। जो पहली बार में जो मैंने किया था और जो मैंने इसके बारे में समझा था और जो दूसरी बार में किया था उसमें थोड़ा और उसमें भिन्न हुआ और तीसरी और जो अभी आखिरी बार जो मैं करके आया हूँ उसमें मेरे को असलियत में इसका पूरा जो एक्चुअल जो इसका मीनिंग है वो बिल्कुल लास्ट में जाके समझ में आ पाया है। आपने अपने घर में कुछ और लोगों को भी भेजा है? नहीं, इसमें मेरी जो वाइफ है वो शादी से पहले इसको एक बार कर चुकी थी और मैं जिस टाइम पे इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे मेरे को इसके बारे में मालूम था। क्योंकि शादी से पहले अगर कर चुकी है तो वो तो बहुत पहले किया है उन्होंने। लगभग 15-20 साल पहले, 15-20 मतलब 2004 में मेरी शादी हुई है तो उन्होंने 2003 में उन्होंने किया था और मैं सबसे पहले करने गया था 2005 में। आप 2005 में करने गए थे, तो ये तो आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपके घर में आपकी अगर पत्नी भी करती है, कहते हैं जिस घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों करते हैं वो घर तो बहुत बढ़िया हो जाता है, आप ऐसा महसूस करते हैं? हाँ, ऐसा है और बच्चों पे इसका असर दिखना चाहिए और मेरी वाइफ ने भी किया है और मैं मतलब उसने ही मेरे को प्रेरित किया, बट ऐसा नहीं है कि उसके प्रेरित होने की वजह से मैं गया, बट हाँ। तो सील समाधि प्रज्ञा में तो आपका परिवार पुष्ट होता जा रहा होगा? सील समाधि हम उस दिशा में कोशिश करते हैं और जितनी भी ज्यादा से ज्यादा उनकी जो रास्ता दिखाया है बुद्ध ने, कुछ लोगों को प्रेरित किया आपने जाने के लिए कि विपश्यना जाना चाहिए? मैं बहुत लोगों को प्रेरित करता हूं और मैं जिन लोगों से भी बात करता हूं मैंने देखा है वो उन्हीं प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं जो मैं भी किसी दौरान में फेस करता था और इस 35 या 40 की एज के बाद, और उसका एक ही सॉल्यूशन मैं उनको बताता हूं, अगर वो इसके थ्रू जाएंगे, विपश्यना में जाएंगे, बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करेंगे तो वो अपनी जो प्रॉब्लम्स जो हैं, सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उससे बिल्कुल उसका रास्ता। ये बात सही है कि विपश्यना में जाने के बाद जो लोग बुद्ध को सिर्फ पढ़ते हैं या जो बुद्ध को सुनते हैं उन्हें समझ में आता है कि बुद्ध पढ़ाई लिखाई में कम और विपश्यना में ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि मैंने इससे पहले बुद्धा से पढ़ने से पहले मैंने बहुत पढ़ने की भी कोशिश की, क्योंकि ये जो रास्ता है ये मैं शादी से पहले भी बहुत ढूंढ रहा था, तो मैंने बहुत किताबें भी पढ़ने की कोशिश की और बहुत सारा जैसा उसमें दिया वो करने की कोशिश की, बट उससे उतना वो फ़ायदा नहीं होता जो एक बार आप सिर्फ विपश्यना। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बुद्ध की टीचिंग्स पढ़ने और सुनने से नहीं, करने से ही। जितनी प्रैक्टिस आपने अब तक सुनी या देखी या आपने प्रैक्टिस में लाई उसके बाद जो विपश्यना की प्रैक्टिस है वो आपको महसूस होता है कि अभी तक की अल्टीमेट है? हाँ, विपश्यना की जो टीचिंग्स हैं, जो रास्ता दिखाया है वो उससे ज़्यादा साइंटिफिक और उससे ज़्यादा आपको फल देने वाली, इमीडिएट फल देने वाली और अभी के अभी फल देने वाली। इसीलिए बुद्ध को विश्व गुरु माना जाता है क्योंकि उनकी जो टीचिंग्स हैं वो पूरे विश्व के लिए हैं। बिल्कुल सही है, और बुद्धा की टीचिंग्स जो है वो कोई भी करेगा आने वाला, और अभी भी जो अब ट्विटर का हेड आया यहाँ पे बर्मा में करके गया, अब इतने लोग हैं, मतलब कितने लोगों के नाम बताएं, जो भी बुद्धा की टीचिंग को एक बार सुनेगा उसके बाद वो कभी रुक ही नहीं सकता, बिकॉज वो पूरा का पूरा वैज्ञानिक है। और उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं और बुद्धा की टीचिंग को फॉलो नहीं करते, क्योंकि बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि तुम
मेरे धर्म के अंदर हो, उन्होंने कभी ऐसा कोई धर्म नहीं बनाया उनका, उन्होंने कोई मैनमेड धर्म नहीं बनाया, उन्होंने जो नेचुरल जो फिनोमिना है उसको बताया। करेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली। कुछ कहना चाहेंगे व्यवस्था के बारे में एक शब्द? या उनके उनके धर्म, धम्म का मतलब होता है कि उसकी उसकी क्या नियति है। फायर मतलब फायर धर्म, फायर का धर्म है गर्म करना, बर्फ का धर्म है ठंडा करना, तो ये धर्म है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, ऑफ मटेरियल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो धम्म है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।